रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने दिल्ली को पीटा। दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार, डीकॉक ने बनाए 80 रन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फीवर में। दोस्तों, आईपीएल के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ ने तूफानी पारी खेली। शॉ ने 34 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के जड़कर 61 रन ठोके। उन्होंने 180 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं तीसरे नंबर पर उतरे रोमन पावल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान ऋषभ पंत ने सरफराज खान के साथ उतरकर अच्छी साझेदारी की। पंत ने जहां 39 रन बनाए तो वहीं सरफराज खान 36 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों से दिल्ली की टीम ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर कुल 149 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को 19.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से क्विंटन डीकॉक ने 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं कप्तान केएल राहुल ने 24 रन बनाए। लखनऊ की ओर से आखिर में आयुष बडोनी ने 3 गेंदों पर 10 रन ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके।